टीचिंग स्टूडेंट्स विद विजुअल एम्पेयरमेंट अब इन बच्चों को किस तरह से हम टीच कर सकते हैं जिसका जिनका विजन के जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो विजन थ्री टाइप्स की जो थी ग्रुप्स में इनको डिवाइड करके हम देखें अगर तो एक माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट है एक लो विजन मीनस है अम्पेयरमेंट uh, है इसके अलावा लीगल ब्लाइंडनेस भी है जिसमें कम्प्लीट ब्लाइंडनेस को हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नहीं देख सकते उनके लिए स्ट्रैटीज़ डिफरेंट होंगी और अगर लो विजन है और वो कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं देख सकते करीब की चीज़ें देख सकते हैं दूर की नहीं देख सकते इसी तरह से माइल्ड विजुअल एम्पेयरमेंट है जिसमें सिर्फ ग्लासेस लगाने से बच्चे क्लास में आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं तो वो तो हम उसको ग्लासेस के साथ जो है वो डील कर सकते हैं और बच्चे अक्सर हमने अपनी क्लासेस में देखा है कि आम बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं जहाँ तक लो विजन का अगर हम देखें तो पर्सन हैज सम विजन यूज़बल फॉर रीडिंग बट ऑफन नीड्स अ स्पेशल ऑप्टिक डिवाइस सच एज़ मैग्नीफाइंग लेंस फॉर डूइंग सो अब पढ़ने के लिए तो ठीक है लेकिन फिर भी उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की लेंसेज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए ऐसे बच्चों के लिए ये होता है कि हम इनको सबसे पहले तो अगली सीट्स पर इनको प्लेस करना चाहिए बच्चों को और दूसरे नंबर पर फिर अगर इनकी वी जो है वो उसका लेवल मॉडरेट है माइल्ड नहीं है बल्कि मॉडरेट है तो फिर फ़ॉन्ट साइज़ जो नोट्स का है वो इनके लिए बड़ा करवाना चाहिए ताकि ये उसको आसानी के साथ पढ़ सकें इसी तरह से क्योंकि इंटेलिजेंस का इशू इनको नहीं है इनको सिर्फ़ विजन इशू है जो डील किया जा रहा है फिर एक लीगल ब्लाइंडनेस है उसके लिए ट्वेंटी टू हंड्रेड की जैसे टर्म यहाँ लिखी हुई है कि एक नॉर्मल आई सेट जो है वो टू हंड्रेड फीट पे जो है वो देख सकती है इस तरह से ऑप्टिक वाले जो हैं उनकी मुख्त उनके पास फ्रेम्स होते हैं जिसके साथ वो आई साइट को चेक करते हैं और वो Uh, उनके बेंच मार्क्स हैं कि अगर इतना हो तो ये इतनी आई सेट वीक होगी और सिक्स बाय सिक्स जैसे कंप्लीट uh, हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी नज़र जो है वो उसको कहा जाता है कि वो ऑल ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है रिस्पॉन्ड कर सकता है तो जब वो इस तरह से ना देख सके ट्वेंटी फीट अवे फ्राम एन ऑब्जेक्ट दैट अ पर्सन विद नॉर्मल आई सेट कैन सी एट टू हंड्रेड फीट तो ये जो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है तो कहते हैं कि इसको फिर एम्पेयरमेंट कहा जाएगा और ब्लाइंडनेस का मतलब यह है कि कम्प्लीटली ए पर्सन इज़ अनएबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट उसमें फिर डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज़ कही जाती हैं लेकिन कम्पलीट ब्लाइंडनेस वाला बच्चा आम बच्चों के साथ क्लास में नहीं पढ़ सकता और उसकी इम्पेयरमेंट चूँकि स्वेयर लेवल पे है इसलिए इस तरह का बच्चा जो है उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ की गई हैं कि उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए अब इस तरह के बच्चे चूँकि हैंडी कैप्ड हो जाते हैं जिस तरह से ब्लाइंडनेस के साथ वो उनको किसी की सस्टेंस की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ़ उनको क्लास में पढ़ने के लिए नहीं लेकिन बल्कि उनको हर काम में अपने एक इसस्टेंस की ज़रूरत होती है अल्लाह तला का एक निज़ाम है कि उन्हें उस उसने हमें सेंसेस के साथ नवाज़ा है देखने सुनने चखने की जो सेंसेस हैं उसमें अगर एक सेंस की कमी हो जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से बाकी सेंसेस ज़्यादा शार्प हो जाती हैं अब हमने अक्सर ब्लाइंड लोगों को देखा है कि अगर चाहे उनको नज़र नहीं आ रहा तो लेकिन वो सिर्फ महसूस कर लेते हैं कदमों की चाप सुनने के बाद उनको पता चल जाता है कि कौन आया है इसी तरह से किसी की खुशबू से उनको पता चल जाता है कि कौन आया है और इवन जो टच है उससे भी महसूस कर लेते हैं कि कौन आया जैसे माँ और बच्चा अगर है तो उनकी जो एक एसोसिएशन होती है उससे भी उनको पता चलता है कि कौन उनको विज़िट करने आया है तो इन सेंसेस के साथ हमें जो इन्वायरमेंट का इल्म दिया गया है उसमें यह है कि अगर एक सेंस जैसे देखने की सलाहियत नहीं है तो हमने ब्लाइंड केसेस बहुत सारे दुनिया में देखे हैं उन्होंने दुनिया में बड़े काम किए हैं बजाय बावजूद इसके कि वो ब्लाइंड थे और बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन्स पर भी वो गए और उनको जो है एकेडमिकली और इंटेलिजेंस के लिहाज से वो बड़े इंटेलिजेंट थे तो सिर्फ एक विजन की जो प्रॉब्लम थी या एम्पेयरमेंट थी या ब्लाइंडनेस थी उन्होंने उसको हर्डल बनने नहीं दिया और उसके साथ काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं तो ब्लाइंडनेस जो है इसको सिर्फ़ स्पेशल स्कूल्स में ही डील किया जा सकता है और बाकी जो लो और मॉडरेट हैं उनको हम ग्लासेस और लेंसेज के साथ जो है डील कर सकते हैं और इस तरह से इन बच्चों को घरों में फिर पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि उनका इंट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस के साथ ज़्यादा देर तक बैठना देखना उससे उनको कम करना चाहिए फ़ोर्सफुली उनको कम करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ का सवाल होता है तो इस मामले में ज़रा पेरेंट्स को ज़रा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो शो करना चाहिए घरों में और टाइम फिक्स करना चाहिए वन आवर और जिनकी आईसाइट वीक हो गई है उनको आप ज़्यादा कोशिश करें कि वो आ, जो है वो इनडोर गेम्स हैं तो उसमें टेबल टेनिस या लुडो या इस तरह कोई भी ऐसी जिसमें फैमिली सारी मिल जो है वो पार्टिसिपेट करे और उनका ध्यान जो है डाइवर्ट करें उसकी अटेंशन मोबाइल से जब तक आप बच्चों को किसी दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ नहीं करते उनका ध्यान उस मोबाइल के साथ अटका रहता है और रेज़ की वजह से और हैबिट्स की वजह से मुसलसल वो जो है मोबाइल यूज़ करना जो है वो चाहते हैं क्योंकि एक जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है और हम बार बार हमारा दिल चाहता है कि जब तक एक्सरसाइज ना करें हमें सेटिसफेक्शन नहीं होती इसी तरह से बच्चों को जो मोबाइल्स की आदत होती है तो वो जो एक कार्टिसोल है जिसको हम स्ट्रेस हारमोन कहते हैं वो उनका एक्टिव हो जाता है जब उनको मोबाइल नज़र ना आए तो ये चीज़ें भी पेरेंट्स और टीचर्स को देखनी चाहिए कि आप लॉन्ग रन से शॉर्ट स्पेन पे जब मोबाइल यूज लाते हैं तो ग्रेजुअली लेके आए एकदम से उनसे मोबाइल जो है वो ना छीने ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हों